अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे आप सब मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे ओके वंस अगेन वेलकम टू शायद सरस एजुकेशन पॉइंट बेटा दिस क्लास इज अगेन फॉर एज यू नो इट इस फॉर बीजी जी सिक्स्थ सेमिस्टर एंड द सब्जेक्ट इज एजुकेशन ओके और हम चौथा यूनिट पढ़ रहे हैं और चौथे यूनिट में अभी तक हमने खाली दो टॉपिक्स पढ़े वन इज इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग एंड इट्स अनदर इज सोशली सेक्शंस या सोशली डिसडवांटेज चिल्ड्रन देयर मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स आई होप इटे दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ गए इफ रियली देन कॉमेंट क्यों नहीं करते हो यार इतनी मेहनत करते हैं बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि भाई आपका कमेंट हमारे लिए कॉन्फिडेंस बनता है आपका कॉमेंट हमें इंकरेज करता है कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए लेक्चर्स लाएं uh, अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो लगता है कि भाई आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो जब आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो uh, इसका असर मुझ पर भी आएगा ठीक है टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर फोर येस डियर वट इज टूडेज टॉपिक इट इज लर्निंग डिसबिलिटीज यू कैन क्लियरली सी दिस लर्निंग डिसबिलिटी इट इज रिलेटेड विद ए चाइल्ड कौन कौन से लर्निंग डिसएबिलिटीज है जो कि एक बच्चे में पाए जाते हैं ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि लर्निंग डिसबिलिटी का मतलब क्या है इसकी मीनिंग हम आपको समझाएंगे और साथ ही में मीनिंग को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताएंगे और तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको यह पता चलेगा कि भाई लर्निंग डिसएबिलिटी का मतलब क्या है तो देखो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसबिलिटी इज टूडेज टॉपिक ओके गोट इट शाबाश तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले यस सो वी आर हियर सो यू कैन इज़ीली सी माय डियर द टॉपिक टुडे इज जस्ट अ सेकेंड माय डियर यस लर्निंग डिसेबिलिटीज मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमारा टॉपिक है सिलेबस की लाइन अगर आप देखोगे आपको यही मिलेगा क्या मिलेगा भाई लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें और एक टॉपिक हमें पढ़ना है वो टॉपिक क्या है वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन यानी बहुत सारे ऐसे लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं लाइक मैं मतलब इंपॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करूं आ, बच्चे को पढ़ना नहीं आता है बच्चे को लिखना नहीं आता है है ना बच्चे को प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होती है बच्चे को यू नो अटेंशन मेमोरी में प्रॉब्लम होती है ये सारी चीज़ें बेटा हाउ रिलेटेड है तो जिससे लर्निंग में डिसेबिलिटी आती है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी आप बच्चा जो है वो अच्छी तरह से लर्न नहीं कर पा रहा है तो कौन से ऐसे रीजनज़ है ये yes. वो सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे लेकिन फिलहाल हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब क्या है और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको लर्निंग डिसेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको सात आठ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं तो करें हम स्टार्ट तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं तो वन बाय वन देखो बहुत सिंपल तरीके से मैंने अच्छे से यहां पे नोट्स uh, जो है बनाए हैं तो आप भी इसी तरह इनको लिखने की कोशिश करेंगे ठीक है तो हाँ और एक पॉइंट जो मैं दैट आई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये कल क्वेश्चन आ सकता है सोलह मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या वडेवर जो भी आपके एग्जामिनेशन uh, में कितने मार्क्स का होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक तो चलिए बेटा इसमें शॉर्ट आंसर भी आ सकता है कि जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ेंगे वहां पे कोई एक आ, लर्निंग डिसेबिलिटी कोई एक डेफिनेशन आएगी जिसका आंसर आपको देना है वो आगे हम बात करेंगे चलिए लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब क्या है बेटा चलिए समझते हैं एक एक पॉइंट हम समझते हैं यहां पर लर्निंग डिसबिलिटी रेफर टू डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ट इज रिलेटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन रिमेंबर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है लर्निंग डिसऑर्डर देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह आपकी किडनी थोड़ी ना है जो आपको रिसीव करेगा नो इट इज ये योर ब्रेन दैट रिसीव्स तो जब आप रिसीव नहीं करोगे प्रॉपरली तो इसका मतलब है आपको लर्निंग में प्रॉब्लम हो जाएगी तो फैक्टर कौन सा है कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मतलब क्या कहते हैं डिसबल uh, बनाती है इट इज ए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इन साइड योर ब्रेन सो यही मैं बात कर रहा हूं कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है इट रेफर्स टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स दैट एफेक्ट द ब्रेन एबिलिटी ब्रेन की एबिलिटी को एफेक्ट करता है किसमें टू रिसीव शबश प्रोसेस एनालाइज एंड स्टोर इंफॉर्मेशन सो सिंपल माइडियर मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कब पढ़ा रहा हूं कितना पढ़ाता हूं कैसे पढ़ाता हूं आपका दिमाग ये आपके दिमाग में ये एबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब है अल्लाह तला बचे यू आर सफरिंग फ्रॉम लर्निंग डिसबिलिटी तो वैन यू डू नॉट इंटरप्रेट प्रॉपर्ली वैन यू डू नॉट रिसीव द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली वैन यू डू नॉट मेमोराइज द प्रॉब्लम थिंग्स प्रॉपरली वैन यू डू नॉट एनालाइज द थिंग्स प्रॉपरली माई डियर द चाइल्ड इज हैविंग वाट लर्निंग डिसबिलिटी मेरा कहने का मतलब है बीमार कौन सा चीज़ है बीमार दिमाग है क्योंकि दिमाग अच्छी तरह से चीज़ों को रिसीव नहीं करता है उसको स्टोर नहीं कर पा रहा है इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट डिसऑर्डर लर्निंग डिसऑर्डर जिसका दूसरा नाम है लर्निंग डिसबिलिटी सो इट्स ए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर डिसऑर्डर मीन इज समथिंग विच इज नॉट इन ऑर्डर समथिंग विच इज नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग राइट डियर तो इट इज ब्रेन डिसफंक्शनिंग ये भी आप कह सकते हो ब्रेन डिसफंक्शनिंग आपका ब्रेन सही से सह काम नहीं कर रहा है मैं स्टूमल दे रहा हूं लेकिन आप अच्छी तरह से उस स्टलस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो स्टोर नहीं कर पाते हो जिसकी वजह से आप रेस्पॉन्स नहीं देते हो तो इसका मतलब है यू आर सफरिंग फ्रॉम व्हाट लर्निंग डिसऑर्डर और लर्निंग डिसएबिलिटी आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया तो ये डेफिनेशन है

ब्रेन इज एबिलिटी ब्रेन इज नॉट वर्किंग ब्रेन इज नॉट रिसीविंग प्रॉपरली नॉट प्रोसेसिंग प्रॉपरली नॉट एनालाइजिंग एंड नॉट स्टोरिंग तो इसका मतलब है अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसका नाम है लर्निंग डिसबिलिटी ओके फाइन शबाश नाओ दीज डिफिकल्टीज कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन पर्सन इज एबिलिटी टू एक्वायर एंड यूज एकेडमिक सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स अब इसके वजह से पर्सन पे इम्पैक्ट है इसकी सोशल लाइफ पे इसके एकेडमिक्स पे इसके प्रैक्टिकल स्किल्स पे किसकी वजह से खाली लर्निंग डिसबिलिटी की वजह से इसका इम्पैक्ट सोशल प्रैक्टिकल एंड एकेडमिक भी आ जाता है समझ आ गया सही बात है ना ये बिल्कुल सिंपल है लर्निंग डिसेबिलिटीज और नॉट इंडिकेटिव ऑफ ए पर्सन इंटेलिजेंस एज इंडिविजुअल्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑफ एन हैव एवरेज और अब एवरेज इंटेलिजेंस ये देखो ये डिपेंड नहीं है कि बंदा इंटेलिजेंट नहीं है इसलिए नहीं एवरेज और सब एवरेज बच्चों को भी ये डिफिकल्टी प्रॉब्लम होती है आपने एक मूवी देखी है जिसका नाम है तारे जमीन है तारे जमीन पे जो ईशान है एक करैक्टर है वो बहुत ही जहीन करेक्टर है लेकिन उसको लर्निंग में प्रॉब्लम है लिखने में प्रॉब्लम है लेकिन वो लास्ट में एंड में जो स्टोरी देखती दिखाती है वो कितना ब्रिलियंट और कितना इंटेलिजेंट था

Order, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्या क्या चीजें होती है लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे के साथ वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे तो ये था पहला स्लाइड तो जो मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको enjoy किया होगा। चले पर, fine. Okay, my dear. तो ये वाला आप देख लीजिएगा तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है पहला कैरेक्टरिस्टिक इसमें है एकेडमिक डिफिकल्टीज अभी मैं बोल रहा था एकेडमिक डिफिकल्टीज देखो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं अगर आप थोड़ा इसको कट शॉट भी करते हैं अपने हिसाब से अपने हिसाब से नोटिस बनाते हो या अगर आपको नोटिस चाहिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं मेरी एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है और आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो ठीक है तो लर्निंग डिसबिलिटीज प्राइमरली एफेक्ट एकेडमिक स्किल्स तो याद रखो जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी होगी ना उसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से उसके एकेडमिक्स में प्रॉब्लम आ जाएगा तो इसका मतलब है लर्निंग डिसेबिलिटी प्राइमरीली किसको अफेक्ट करता है एकेडमिक स्किल्स को जिसमें क्या इंक्लूड होता है एकेडमिक में क्या होता है रीडिंग राइटिंग एंड सम कैलकुलेशन राइट तो विच इंक्लूड रीडिंग राइटिंग मैथमेटिक्स एंड और लैंग्वेज स्किल्स अगर आप इतना ही लिखोगे तो काफी है बेटा काफी है तो एकेडमिक डिफिकल्टीज आर रिलेटेड विद वॉट लर्निंग डिफिकल्टीज लर्निंग डिसबिलिटी लर्निंग डिसबिलिटी से अकेडमिक लाइफ पे असर आ जाता है बच्चे पे यानी वो पढ़ नहीं पाएगा लिख नहीं पाएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा और सम लैंग्वेज स्किल्स उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इंडिविजुअल विद लर्निंग डिसबिलिटीज में स्ट्रगल विद रीडिंग हाँ कॉम्प्रहेंशन स्पेलिंग ग्रामर रिटर्न एक्सप्रेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग आई होप बेटा पहला वाला पॉइंट आपको समझ आ गया सो नाइस ऑफ यू नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज अभी तो मैं बोल रहा था देखो सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं आई एम गिविंग यू स्टूनलेस मैं बच्चे को स्टूनलेस दे रहा हूं लेकिन ये स्टूनल मैं बच्चे के ब्रेन से जब ये जाता है ना यहां ये प्रोसेस नहीं कर पाता है ब्रेन में कुछ डिसफंक्शन है जिसकी वजह से ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो बच्चा जो है ये रिस्पॉन्स नहीं देगा तो इसके अंदर क्या चीज है लर्निंग डिसेबिलिटी तो लर्निंग डिसेबिलिटी में कहां पे प्रॉब्लम है प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग यानी सही से नहीं हो रहा है आई होप बेटा आपको समझ आ गया देखो लर्निंग डिसेबिलिटीज कैन इन्वॉल्व चैलेंजेस इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एफिशियंटली दिस मे मैनिफेस्ट एज डिफिकल्टी विद ऑडिटरी प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग एंड remembering स्पोकन information विजुअल प्रोसेसिंग मेरा कहने का मतलब है जब एक टीचर पढ़ाता है वो क्या पढ़ाता है वो क्या लिखाता है ये सारी चीजें एक चैलेंजिंग फैक्टर होता है उस बच्चे में जिसको क्या है बेटा लर्निंग डिसेबिलिटी तो लर्निंग डिसेबिलिटी में प्रोसेसिंग डेफिसेट आर एबसेंट नॉट एबसेंट बट देर इज लेवल की अगर हम बात करेंगे तो सर क्या पढ़ा रहे हैं समझने में प्रॉब्लम है इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है दिमाग सर क्या लिख रहा है बोर्ड पे उसको समझ नहीं आता सर क्या लिख रहा है आपने आप वो तारे जमीन पे वो देखो वो कहता है कि लेटर्स आर डांसिंग तो उसको ये एक कैरेक्ट वहां पे आपको क्या लगता है मुझे लगता है कि भाई जब मैं किताब खोल रहा हूं ना लेटर्स आर डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मी दैट इज वाई मुझे समझ में नहीं आता है वो पी को पी को डी एक्स्ट्रा वो मुझे, वो मूवीज देख लो आप वहां लर्निंग, लर्निंग डिसेबिलिटी है वहां पे आपको अच्छा खासा कॉन्सेप्ट मिल सकता है ठीक है तो ये प्रोसेसिंग डिफिसिट्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सो फार एज लर्निंग डिसेबिलिटी इज कंसर्न आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया चलिए भाई तीसरा पॉइंट देखो बहुत ही मजेदार टॉपिक है वाला यस ऑलरेडी आई टोल्ड यू मेमोरी चैलेंज मेमोरी चैलेंज का मतलब क्या है देखो मैंने आपको पढ़ाया आपको कितना समझ आया इट डिपेंड्स अपॉन समझना द मोर यू अंडरस्टैंड द मोर यू रिटेन द मोर यू मेमोराइज सिंपल बट लर्निंग डिसबिलिटी जिनमें होता है ना उनमें ही प्रॉब्लम होती है कि वो जब लेक्चर को अटेंड करते हैं लेक्चर को अटेंड करने के बाद इनको याद नहीं रहता है याद कैसे रहेगा भाई प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम समझने में प्रॉब्लम तो इसका मतलब है रिटेंशन में भी प्रॉब्लम तो नंबर नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो यहां पे बेटा बहुत सिंपल है मेमोरी चैलेंज आर देर मेमोरी चैलेंज इज वन मोर फैक्टर इन केस ऑफ वर्ट लर्निंग डिसेबिलिटी देखो क्या कह रहा है इंडिविजुअल विद लर्निंग डिफिकल्टी डिसबलिटीज़ मे एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज विद वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी देखो हमारे दिमाग में तीन किस्म के मेमोरीज होते हैं वन इज सेंसरी मेमोरी अनदर इज शॉर्ट टर्म मेमोरी अनदर इज लॉन्ग टर्म मेमोरी और ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज वर्किंग मेमोरी तो आप वर्किंग मेमोरी को आप थोड़ा बहुत ये आपको डिटेल में नहीं जाना है या आपको मैं साइकोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं बट आपको कम से कम याद रखना है कि मेमोरी हमारे अंदर कितने टाइप की है तीन टाइप्स की है वन इज सेंसरी मेमोरी जो हम सैनस ऑर्गन से रिसीव करेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी सेंसरी मेमोरी के बाद ये कहाँ ट्रांसफर होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में शॉट टर्म मेमोरी के बाद ये परमानेंटली रहती है इंसान के दिमाग में दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी तो यहां पर आप देख लीजिएगा मेमोरी चैलेंज में क्या है कि इंडिविजुअल जो है जो लर्निंग डिसबिलिटी है ये एक्सपीरियंस करेंगे इनमें

रिकॉल करने में इसको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंजिंग फैक्टर दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन लर्निंग डिसेबिलिटीज आई होप बेटा ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया चले भाई नंबर नेक्स्ट इज वेरी गुड अटेंशन डिफिकल्टीज यस अटेंशन डिफिकल्टीज ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी बोलो या फैक्टर भी बोलो सम इंडिविजुअल विद लर्निंग डिसेबिलिटी में एग्जिबिट अटेंशन रिलेटेड डिफिकल्टीज सच एज अटेंशन डिफिक हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर दीज चैलेंजेस कैन अफेक्ट देयर एबिलिटी टू फोकस सस्टेन अटेंशन एंड इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज एंड मैनेजिंग अटेंशन का मतलब क्या है अगर मैं आपको दो चार स्टमनास एट ए टाइम दूंगा तो हाउ एबल यू आर आपने कितनी एबिलिटी है कि इन सारे स्टूमल को आप अटेंड कर पाते हो सिलेक्शन ऑफ अमंग स्टमल वेन ए चाइल्ड फेल टू अटेंड स्टूमलेस में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक्टिविटी डिसऑर्डर यह हमें अलग से पढ़ना है यह हमें टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी में पढ़ना है बेटा ठीक है तो अटेंशन में भी प्रॉब्लम मेमोरी में प्रॉब्लम प्रोसेस में प्रॉब्लम एकेडमिक्स में प्रॉब्लम ये सारी चीजें यार सिंपल है अगर फिर भी यार आपको समझ में नहीं आता तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं इतना सिंपल मैनर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है तो फिर बाद में भी आप कहोगे कि सर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आया था यार क्या क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आया ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हम नहीं पढ़ेंगे जो हमने नहीं पढ़ा फिर कैसी बात करते हो तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी है ठीक है कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगता है तो उसके लिए क्या करना है इसके लिए यार मुझे पूछना है कमेंट करना है सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज इसको रिपीट करो लेकिन आपको कहां फुर्सत है कमेंट करने का नो नॉट एट ऑल ओके तो ये अटेंशन डिफिकल्टीज भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक uh, है इसमें शाबाश चलिए भाई नंबर थर्ड पर एग्जीक्यूटिव फंक्शन एडिफिस अगेन एग्जीक्यूटिव दे आर रिलेटेड विद द कॉग्निटिव एबिलिटीज अभी हम बात करेंगे देखिए भाई एग्जीक्यूटिव फंक्शनज रेफर्स टू कोग्नेटिव प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्लान अगर आपको कोई चीज प्लान करना हो ऑर्गेनाइज करना हो इनिशिएट करना हो कंप्लीट करना हो तो आप दिमाग के कॉगनीशन को काम में लाओगे तो हमारे दिमाग में एक बिहेवियर है जिसको हम कहते हैं कॉगनेटिव बिहेवियर कॉगनेटिव बिहेवियर का मतलब है आपके मेंटल प्रोसेसिस आपका अटेंशन परसेप्शन जो भी है फॉर एग्जांपल आपको कोई काम दिया जाएगा आप उस काम के बारे में सोचोगे प्लान करोगे फिर एग्जीक्यूट करोगे फिर उसको कंप्लीट करोगे है ना तो ये सारी चीजें जो है आप इन पर अप्लाई करते हो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या करते हैं बेटा कॉग्निटिव प्रोसेस लेकिन जिसमें लर्निंग डिसबिलिटी वाले बच्चे में ये कागनेटिव प्रोसेस ना थोड़ा बहुत कम होते हैं या लैक करता है बेचारा तो दैट इज वाई इसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाता है आई होप बेटा आपको समझ आ गया तो कॉग्नेटिव प्रोसेस में इफ यू आर ये आ, अगर आपको डिफिसट है डिफिसिट का मतलब है आप में कमी है किस चीज की कॉग्नेटिव प्रोसेसेस? तो कॉग्नेटिव प्रोसेसेस वो प्रोसेस है जो हमें मदद देते हैं किसमें प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएशन में कंप्लीटिंग द टास्क में, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड टाइम मैनेजमेंट हाँ, ये सारी चीजों के लिए हमें क्या प्रोसेस लगता है कॉग्रेटिव प्रोसेस लेकिन हमें इन कॉग्रेटिव प्रोसेस की डिफिशेंसी है किसमें जिसमें लर्निंग डिस्लिब्रिटी होगा अरे यार बहुत सिंपल है ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड शबाश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिफिकल्टी देखो सही बात है ना बेटा मैं हमेशा आपको एक ही एग्जाम्पल दूंगा कि तारीख जमीन पे आप ईशान का करेक्टर देखो वो स्कूल में किसी से बात नहीं करता है करता है नहीं करता है वो इंटेलिजेंट है लेकिन इंटेलिजेंट उसको किसी टीचर ने अभी तक नहीं जाना था कि वो इंटेलिजेंट है लेकिन जब वो मेन कैरेक्टर आता है ना मूवी के अंदर जो रियली really इसको समझता है कि इसके अंदर टैलेंट है समझ आ गई रोल ऑफ ए टीचर में आगे पढ़ेंगे कि रोल ऑफ ए टीचर कैसा होना चाहे कि टीचर ऐसा होना चाहिए कि उसकी पोटेंशियलिटीज़ को आपको पता होना चाहिए एक बेहतरीन टीचर वो है वन हु नो द चाइल्ड सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर टीचर में कि वो बेस्ट टीचर वो है जो अपने बच्चे को साइकोलॉजी को जाने बच्चे का इंटरेस्ट क्या है किसको कैसे मोटिवेट करेंगे समझ आ गया तो ये सारी चीजें हैं

उसके दिमाग में होता है कि मुझे कौन सी बात करनी है लेकिन डिफिकल्टी की वजह से उसको बात करना नहीं आता है तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज इज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट लर्निंग डिसेबिलिटी तो देखो लर्निंग डिसेबिलिटी कैन अफेक्ट एक्सप्रेशन And receptive language skills individuals may struggle with articulation, vocabulary, development, understanding complex sentences, structure, or expressing their thoughts clearly. So, in which this a problem. Hoti hai. They are not in a position to express themselves. So, this is, this is you know, very simple and very easy to understand. मुझे यार मत बोलना कि सर ये डिफिकल्ट आ सके है नहीं है कोई भी कोई भी चीज इसमें डिफिकल्ट नहीं है आराम से आप लिख सकते हो आराम से कोई नहीं कहेगा ठीक है तो चले बेटा सोशल एंड इमोशनल चैलेंज जाहिर सी बात है यार कोई बंदा साठ परसेंस के दरमियान एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनमें डिफिकल्टी होगी तो वो कहते होंगे ना अपने आप से भाई सारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं कैलकुलेशन कर रहे हैं लेकिन खाली हम हैं जो ऐसा नहीं करते इनको सोशल प्रॉब्लम भी होगी और वो इमोशनली भी सेल्फ हर्ट होंगे ना होंगे कि नहीं होंगे डेफिनेटली होंगे यार तो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग डिसेबिलिटीज कैन इम्पैक्ट सोशल इंट्रैक्शनस एंड इमोशनल वेलबींग इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग फ्रेंडशिप्स or managing emotion is related to academic struggles and social experiences. fine beta, so this is one more characteristic that is related with what learning disabilities. and my dear, the last one is shabash, the last one is variability. basit तो वेरेबिलिटी ऑफ स्ट्रंगज एंड वीकनेसेस देखिए भाई ये क्या कह रहा है वाइल्ड इंडिविजुअल लर्निंग डिसेबिलिटी में स्ट्रगल इन स्पेसिफिक एरियाज दे कैन ऑल्सो एग्जिबिट स्ट्रेंग्थज इन अदर डोम इनमें वेरेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंग जो जिस बच्चे में ना लर्निंग डिसेबिलिटी होगी ये जरूरी नहीं है कि वो हर किसी एरिया में वीक होंगे वो किसी एरिया में स्ट्रांग भी हो सकते हैं ठीक है यहीं पे देखते हैं एग्जाम्पल समन विद रीडिंग डिफिकल्टीज अगर किसी में रीडिंग डिफिकल्टी है मे एक्सल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन ईशान की बात करते हैं ईशान को पढ़ना नहीं आता था ईशान को लिखना नहीं आता था लेकिन उसकी क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा हाई थी अगर आपने वो मूवी देखी होगी अगर किसी ने नहीं देखी तो आई रिक्वेस्ट वो देखो एजुकेशनल मूवी है बहुत इंपॉर्टेंट है तो ईशान जब मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पे कंपटीशन था तो सबसे पहला प्राइज किसको मिला था ईशान को उसके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा थी नो no डाउट लिखने में काम था पढ़ने में काम था मैथमेटिकल कैलकुलेशन में काम था लेकिन क्रिएटिव वाला बंदा था तो ये इसको कहते हैं कि वेरेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंग एंड वीकनेसेस याने अगर कोई बच्चा जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किसी एक एरिया में कम है लेकिन दूसरा एरिया में वो एक्सेल कर सकता है दिस इज वॉट यू मीन बाय दिस रिकॉग्नाइजिंग एंड बिल्डिंग ऑन दिस स्ट्रेंथ कैन हेल्प सपोर्ट देयर ओवरऑल डेवलपमेंट तो हमें वही चीज ढूंढनी है बच्चे में जिस, जिसको जो बाद में हम जिसको सपोर्ट कर सकते हैं विद देयर ओवरऑल डेवलपमेंट आई होप बेटा ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। आपको आज का लेक्चर कैसे लगा कैसे लगा काइंडली डू कमेंट अगर अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा द ओनली वन थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर शायद सर इज़ शेयर इट मोर एंड मोर एंड मोर ओके थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑल इज लर्निंग